दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए 2019 की बड़ी भर्ती की न्यूज लेके आया हूँ। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर कंसल्टेंट की ये भर्ती निकली है। टोटल 2100 पद इनके लिए खाली है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 19188 सैलरी और जूनियर कंसल्टेंट के लिए 17654 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ऑल इंडिया के मेल या फीमेल बहुत कैंडिडेट इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अप्लाई करने की डेट है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें आपको फीस जमा करनी है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जूनियर कंसल्टेंट के लिए इसमें खाली पद है 2100। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं। सीधी भर्ती है बिना किसी एग्जाम के। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है ECIL में भर्ती निकली है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड फर्स्ट और यहाँ पर जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड सेकंड के लिए भर्ती निकली है। 2100 वैकेंसीज है इसमें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो ITI BE BTech डिग्री या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन सैलरी और पूरी जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, आपको भी बताएंगे कैसे आप वो डाउनलोड कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। एज की बात की जाए तो 28 और 30 वर्ष है इसमें मैक्सिमम आयु सीमा। सैलरी 16042 19188। एक पोस्ट के लिए जो है वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। UR या OBC के लिए 200 है। यहाँ पर ST PWD और सर्विंग रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर को फीस जमा नहीं करनी है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करा सकते हो। साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी फीस जमा करा सकते हो SBI चालान के माध्यम से। मेरिट या इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ECIL.CO.IN इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल इंडिया की भर्ती है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 जनवरी 2019 है। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। यहाँ पर आप देख सकते हो हैदराबाद 500062 फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 040। यहाँ पर आप फोन नंबर चेक कर सकते हो, फैक्स नंबर यहाँ से, ईमेल आईडी भी है और जानकारी के लिए आप ईमेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज सैलरी और यहाँ पर आयु की पूरी जानकारी दी गई है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। यहाँ पर देख सकते हो 1470 वैकेंसीज है। 31/12/1988 आयु सीमा है। इसके बाद में जन्म होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 19188 पर मंथ के लिए इसमें सैलरी दी जाएगी। जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड फर्स्ट के लिए देख सकते हो 315 वैकेंसीज है और ग्रेड सेकंड के लिए भी 315 वैकेंसीज है। आयु सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो 31/12/1993 से बाद में जन्म होना ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो ग्रेड फर्स्ट के लिए 17654 पर मंथ के लिए है और ग्रेड सेकंड के लिए 16042 यहाँ पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर अदर बेनिफिट आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 3 मंथ्स यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नंबर 1 के लिए यहाँ पर इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% मार्क के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोस्ट नंबर 2 है उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अलग अलग यहाँ पर डिसिप्लिन दी गई है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, साथ में 60% मार्क के साथ। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नंबर 3 देख सकते हो इसमें ITI पास होना अनिवार्य है। 2 साल का इसमें टाइम होना चाहिए ITI से। आप यहाँ पर और भी जानकारी देख सकते हो, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद बात की जाए सिलेक्शन की, यहाँ पर देख सकते हो इसमें यहाँ पर मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर साथ ही साथ आप और भी कंडीशन चेक कर सकते हो जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर देख सकते हो न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता यहाँ पर लोकेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सिलेक्शन वेन्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन के लिए वेन्यू दिया गया है, अलग अलग यहाँ पर जोन में दिया गया है। जैसे कि हैदराबाद में आप देख सकते हो सबसे पहले
यहाँ पर एड्रेस चेक कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीफोन नंबर और यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप JTO पोस्ट के लिए देख सकते हो 455 वैकेंसीज है, इसके अंतर्गत UR के लिए 231 है और OBC के लिए 122 है, SC के लिए 68 है, ST के लिए 34 है। यहाँ पर जूनियर कंसल्टेंट है उसके लिए 97 वैकेंसीज है और यहाँ पर जो जूनियर कंसल्टेंट सेकंड है उसके लिए 98 है, तो कुल मिलाकर 650 वैकेंसीज हैदराबाद के लिए निकली है। और न्यू दिल्ली के लिए भी देख सकते हो, एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ 385 वैकेंसीज यहाँ पर JTO के लिए और JC के लिए 82 और 83 वैकेंसीज है, टोटल 550 न्यू दिल्ली में यहाँ पर निकली है। बेंगलुरु में देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, यहाँ से चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। 157 JTO के लिए है, 34 वैकेंसी यहाँ पर JC पोस्ट के लिए है, टोटल 225 वैकेंसी बेंगलुरु के लिए है। मुंबई में देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, 18 वैकेंसी JTO के लिए है और JC के लिए 5 और 2 यहाँ पर वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, टोटल मुंबई में 25 वैकेंसीज है और कोलकाता में देख सकते हो 650 वैकेंसीज है, कुल मिलाकर इसके लिए 2100 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ से आप रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन यहाँ से चेक कर सकते हो। एज में भी यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कि 5 साल की SC ST के लिए, 3 साल की OBC के लिए है, यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नंबर 1 और 10 साल की यहाँ पर देख सकते हो PWD कैटेगरी के लिए जो पोस्ट नंबर 2 और 3 है उसके लिए। यहाँ पर और भी कंडीशंस है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, ये रीड करने हैं अप्लाई करने से पहले। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, जनरल कंडीशंस दिए गए हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर फीस दी गई है, ₹200 आपको इस पर फीस जमा करनी है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, SC ST PWD को इस पर फीस जमा नहीं करनी है। यहाँ पर देख सकते हो कैसे कैसे आपको फीस जमा करनी है, ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी है, साथ ही साथ चालान के माध्यम से भी आप फीस जमा करा सकते हो। हाउ टू अप्लाई देख सकते हो कैसे ऑनलाइन करना है आपको, इस लिंक पर, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके इस पर डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना है। 26/12/2018 से 5 जनवरी 2019 तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अप्लाई करने से पहले आप ये पूरे इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर हाउ टू मेक पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे करना है फीस का, वो भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए, कैसे आप जमा करा सकते हो, यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप और भी कंडीशंस देख सकते हो, यहाँ पर भी SBI कलेक्ट ऑफलाइन के लिए लिंक दिया गया है, इससे भी आप फीस जमा करा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर फोटोग्राफ से रिलेटेड जानकारी दी गई है आपको, कितने KB में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ सिग्नेचर कितने KB में और कैसे अपलोड करने हैं, यहाँ पर देख सकते हो 20 KB में आपको अपलोड करने हैं, 20 से कम कम। उसके बाद यहाँ पर डेट देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट 26/12 और लास्ट डेट 5/1। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, जल्दी घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ecil.co.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, उसके अंदर ही कैरियर्स का लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कैरियर से रिलेटेड पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पढ़ना अनिवार्य है, इसको पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की टैब दी गई है, इस टैब पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहां पर दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की टैब भी यहां पर दी गई है, इस पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।